कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से पैपे के बारे में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे पैपे को लेके, और पैपे का कंपैरिजन कहीं ना कहीं किया जा रहा है शिबा इनू के साथ। तो आज हम शिबा इनू वर्सेस पैपे और जानेंगे कि भैया किस क्रिप्टो में कितना दम है। क्या शिबा इनू अब पुराने ज़माने की बात हो गई है, क्योंकि शिबा इनू का पंप जब आया था नया तब पंप देखने को मिला था, 2022 बियर रन में नहीं देखने को मिला, अभी तक शांत है। और एक नई क्रिप्टो आती है पैपे, एक महीना भी नहीं हुआ उसको, ठीक है, एक महीने के आसपास चल रहे हैं, और उसका कंपैरिजन होता है शिबा इनू से। क्यों? क्योंकि उसने आते ही पंप दिखाया। अब कोई भी क्रिप्टो आते ही अच्छा पंप दिखाए, सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि उसका सीधा कंपैरिजन कर दो शिबा इनू से। शिबा इनू ने जो पंप दिखाया, शिबा इनू ने जो पंप किया है, वो आप सोच भी नहीं सकते, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप शिबा इनू का चार्ट जाके देखोगे, जब से 2020 में शिबा इनू आया था, मिलियन परसेंट है ना, 4 मिलियन परसेंट से भी ऊपर का पंप किया था। ये पंप बता रहा हूँ मैं आपको, इतना पंप किया है शिबा इनू ने। आज शिबा इनू 5-0 लेके बैठा है, 1-0 अभी रिसेंटली ऐड हुई है, 4-0 चलती हैं प्राइस में। और जब आया था बहुत सारी जीरो लेके आया था, नो डाउट, लेकिन जो पंप किया है इतने कम टाइम में, पूरी क्रिप्टो मार्केट में आज तक बिटकॉइन नहीं कर पाया, कोई और कॉइन नहीं कर पाया, पैपे अभी आया है और उसका कंपैरिजन किया जा रहा है शिबा इनू से। तो शिबा इनू की जहां तक मैं बात करूं, शिबा इनू का एक इकोसिस्टम है, कहते हैं ना, एक अपना एक साम्राज्य है शिबा इनू का पूरा। यहाँ पे शिबा इनू की ब्लॉकचेन है, शिबेरियम मेटावर्स पे काम कर रहा है, शिबा स्वैप मार्केट के अंदर है ना, NFTs हैं शिबोशिस, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपकमिंग लिस्ट के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, शिबा नेट, स्टेबल कॉइन। ये सारा साम्राज्य एक दिन में नहीं खड़ा किया, ये आप देखो 2020 से अब तक यहाँ पहुँचा है शिबा इनू, ठीक है, इतना पंप भी किया और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो भी बनाया मार्केट के अंदर, एक अच्छे लेवल पे भी लेके गया, खुद को स्ट्रॉन्ग भी बनाया। लेकिन पैपे अभी आया है, और पैपे की टीम, सबसे पहले तो पैपे की टीम के बारे में किसी को नहीं पता। एक ऐसी क्रिप्टो आती है जो अच्छा पंप ज़रूर करती है, लेकिन उसी पंप के बेस पे एक्सचेंजेस लिस्ट कर देती हैं उसको, और ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और एक्सचेंजेस जल्दी ही डीलिस्ट भी करेंगी, क्योंकि अगर इस क्रिप्टो ने टिकने का दम नहीं है, टिकने मीन्स टिकेगा वही जो काम करेगा। शिबा इनू जैसा जो इकोसिस्टम आज की डेट में है, वो पैपे का दूर दूर तक नहीं है, समझ रहे हो। कोई भी क्रिप्टो आप अभी बियर रन अगर हमको देखने को मिले, तो पैपे इतना ज़बरदस्त क्रैश होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई यूटिलिटी, कोई यूज़ केस ही नहीं है जिस बेस पे वो मार्केट में टिका रहेगा, है ना। पंप ज़रूर हुआ है, पैसा ज़रूर डाला गया, $1 बिलियन की मार्केट कैप ज़रूर हुई है, लेकिन निकल भी रहा है दिवाला अच्छे से। आपने देखा जब से बाइनेंस के ऊपर आया, आज भी 8% डाउन चल रहा है ना, 50-60% पंप किया, फंसाया ऊपर जाके बहुत सारे लोगों को। हमने पहले ही कहा था कि इसके ट्रैप में मत फंसिएगा, और बहुत सारे लोग फंसे, और फिर 8% डाउन है, ठीक है। तो कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं उठता है, शिबा इनू वर्सेस पैपे कोई कंपैरिजन नहीं है। पैपे अभी 1% भी नहीं है शिबा इनू के आगे, ये बस इतना ही क्लियर है मैसेज, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं शिबा इनू क्या है, शिबा इनू का इकोसिस्टम क्या है। किसी क्रिप्टो में आप पैसा तभी डालेंगे जब उसका आप देखेंगे क्या यूटिलिटीज़ हैं, क्या यूज़ केस हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन वो सिचुएशन पैपे की 1% भी नहीं है। फ्यूचर में होगी या नहीं होगी टाइम बताएगा, लेकिन अभी भूल जाओ, दूर दूर तक नहीं है पैपे शिबा इनू के सामने। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।